आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़ वन, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जिलाधिकारी मनोज कुमार से मिलने गए छात्र छात्राओं ने मन की बात की। डीएम कार्यालय पहुंचे स्टार सिटी के स्कूली छात्र छात्राओं ने इस दौरान अपने भविष्य को बेहतर बनाने संबंधी जरूरी चर्चाएं की। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्कूली छात्र छात्राओं से गुटखा छोड़ो मुहिम में शामिल होकर अभिभावकों को गुटखे के सेवन से दूर रखने में सहयोग करने की भी अपील की है। मुख्यालय के स्टार सिटी स्कूल के छात्र छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अधिकारी मनोज कुमार से मन की बात की। इस दौरान डीएम महोबा ने उनसे मार्गदर्शन लेने आए स्कूली छात्र छात्राओं के साथ वक्त गुजारते हुए उन्हें तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अपनी बात रखते हुए लक्ष्य को कैसे और किस तरह पाया जाए जैसे अहम मुद्दों को लेकर बच्चों को नसीहत दी। लक्ष्य को कैसे और किस तरह पाकर भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है, इसको लेकर बच्चों ने जिलाधिकारी से सवाल भी किए, जिसका जवाब डीएम मनोज कुमार द्वारा दिया गया। इस मन की बात के दौरान जिलाधिकारी मनोज कुमार ने छात्र छात्राओं को बताया कि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ मूल कर्तव्यों को न सिर्फ पहचाने बल्कि इंटरमीडिएट के बाद अपने लक्ष्य को लेकर जी तोड़ मेहनत भी करें, जिससे आने वाले समय में अपना मुकाम पा सकें। मन की बात में जिलाधिकारी ने गुटखा छोड़ो अभियान के तहत मौजूद स्टूडेंट्स को समझाया कि जिन बच्चों के घर में अभिभावक गुटखा खाते हैं वो कैसे अपना और अपने परिवार का आर्थिक और शारीरिक नुकसान कर रहे हैं। इस नुकसान को जिलाधिकारी ने अपने लहजे में बच्चों को समझाते हुए अभिभावकों का गुटखा छुड़वाने की भी अपील की, ताकि गुटखे से होने वाले विपरीत प्रभावों से बर्बाद हो रहे परिवारों को बचाया जा सके। सर, डीएम सर ने हम लोग को ये बात रखी, अगर हम लोग को कोई भी रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा, और इससे पहले हम लोग को अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम लोग ट्वेल्थ पास करेंगे, फिर हम लोग को जिस चीज़ में मन रहेगा हम वो करेंगे, और जो हम लोग बनना चाहते होंगे वो बन सकते हैं। डीएम सर ने अभी गुटके और मसाले को लेके एक जागरूकता वाला संदेश दिया, क्या था वो संदेश? सर, डीएम सर ने हम लोग से कहा है कि अगर किसी घर में सब कोई ज़्यादातर तो 90% पेरेंट्स गुटका खाते हैं, उन लोग को हम लोग की हैबिट छुड़वानी है। और सर कह रहे थे कि एक घर में 50 रुपीज़ का गुटका चला जाता होगा एक दिन का, और महीने में 15,000 और साल में 3 लाख, ऐसे भी बहुत आगे सालों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए से गुटका खाया जाता होगा। इस आदत को हम लोग को छुड़वाना है, और हम लोग को इससे पढ़ाई में मेहनत हो सकती है इस पैसों से, और बहुत सारी आगे हेल्प हो सकती है इन पैसों।